हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं क्वासी एरोमेटिसिटी। क्वासी एरोमेटिसिटी इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आइए जानते हैं क्या होता है क्वासी एरोमेटिसिटी। अ फिनोमेना व्हेन चार्ज कंट्रीब्यूट्स इन अ स्ट्रक्चर टू बी एरोमेटिक। अगर चार्ज किसी स्ट्रक्चर को एरोमेटिक बनाने में हेल्प करता है, देन दिस फिनोमेना इज नोन एज क्वासी एरोमेटिसिटी। समझ में नहीं आया सर, तो आओ देखते हैं फिर से। अगर किसी स्ट्रक्चर में चार्ज कंट्रीब्यूट करता है किसी भी स्ट्रक्चर को एरोमेटिक बनाने में, तो ये फिनोमेना कहलाता है क्वासी एरोमेटिसिटी। और वो जो स्ट्रक्चर जो चार्ज की वजह से एरोमेटिक हो जाएगा वो कहलाएगा क्वासी एरोमेटिक। आइए प्रैक्टिस करते हैं। कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे लिए हुए हैं, तुम लोग देख सकते हैं। जब हमको ऐसा केस मिलेगा तो आपको यहां से ये बॉन्ड क्लीव करना पड़ेगा। ये बॉन्ड क्लीव किया, इसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा उसको देखिए क्या होगा। यहां पर Cl- बाहर जाने के बाद जो अगला स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा। यहां पर प्लस चार्ज आएगा और ये देखिए यहां पर ये आपको बॉन्ड क्लीव करना पड़ेगा। जब ये बॉन्ड क्लीव होगा तो कैसा दिखाई देगा, ये देखिए, ये देखिएगा यहां पर O- और यहां पर चार्ज आएगा प्लस। उसको बाद में देखते हैं, पहले इनकी बात करते हैं। तो यहां पर देखिए चार्ज आ गया है। तो जब आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिले तो आपको इस फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्म में लेके आने के बाद आपको सिर्फ रिंग कंसिडर करनी है। जैसे यहां पे O- भी आ रहा है और एडजेसेंट कार्बन पे प्लस आ रहा है, तो आपको केवल रिंग कंसिडर करनी है। ध्यान रहे आपको रिंग कंसिडर करनी है। तो रिंग में अगर देखें तो हम लोग जो पहले लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं, मैं डिस्क्रिप्शन नीचे लगा दूंगा, आप देख सकते हैं कि पहली वीडियोस में हमने देखा था कि एरोमेटिक होने के लिए चार कंडीशन होती हैं। वो इसके अंदर दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, आइए चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं, जो पहली बार देख रहे हैं उनको क्लियर हो जाएगा। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड भी है। अब बात आता है हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन। तो सर पाई इलेक्ट्रॉन तो यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि एंटी एरोमेटिक है तो चार्ज तो हमने कंसिडर किया है कॉन्जुगेशन दिखाने के लिए, तो चार्ज तो कंट्रीब्यूट कर रहा है लेकिन एरोमेटिक नहीं बना पा रहा है। दैट्स व्हाई दिस विल नॉट बी द एग्जांपल ऑफ क्वासी एरोमेटिक। क्योंकि चार्ज अगर स्ट्रक्चर को एरोमेटिक बना पाता है तभी वो क्वासी एरोमेटिक होगा। यहां पे चार्ज एरोमेटिक नहीं बना पाया है तो ये क्वासी एरोमेटिक नहीं है। इसको देखिए यहां पर, तो यहां पे बात करते हैं साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है। उसके बाद बात करते हैं प्लेनर है, तो यहां ये प्लेनर भी है। उसके बाद कॉन्जुगेशन, सर कॉन्जुगेशन तो डेफिनेटली होगा। उसके बाद बात करते हैं हाउ मेनी पाई, तो आप देख रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस रिंग में चारों कंडीशन हो रही है पूरी फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। तो चार्ज है यहां पर और चार्ज होने के बाद भी ये स्ट्रक्चर यहां पर क्या है, एरोमेटिक है। तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा क्वासी एरोमेटिक और ये फिनोमेना कहलाएगा यहां पर क्वासी एरोमेटिसिटी। तो ये एरोमेटिक है हमारा। अब फिर से बात करते हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन यहां भी ऐसा ही है और ये जो डबल बॉन्ड है यहां पर कंसिडर होंगे और ये देखिए ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, तो ये कॉन्जुगेशन का पार्ट है। अब बात करते हैं फिनोमेना की फीचर्स की, तो फीचर्स की बात करें साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है, प्लेनर है, प्लेनर भी है। और बात करते हैं कि सर कॉन्जुगेशन, तो आप देख पा रहे हैं, आप चेक कीजिए हर तरफ से कॉन्जुगेशन है। देखिए ये लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में आ रहा है, कॉन्जुगेशन है। अब बताइए कितना पाई, तो सर यहाँ पे 6 पाई, यहां पर 6 पाई, यहां पर 6 पाई। इनको इंडिविजुअली ट्रीट करना है, एक साथ नहीं करना है। तो ये क्या हो गया सर, ये हमारा हो गया एरो। तो हम लोग बोले कितने पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन ईच रिंग। ध्यान रखिएगा तरीका जो देखने का है वो ये है, इन ईच रिंग। तो कुल मिला के क्या बोले कि सर चारों कंडीशन पूरी हो रही है फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। ध्यान दीजिए ये एरोमेटिक है, क्वासी एरोमेटिक नहीं है, लेकिन ये क्वासी एरोमेटिक है। तो यहां पे मेंशन करते हैं ये हमारा होगा क्वासी एरोमेटिक।
तो ये स्ट्रक्चर है हमारा क्वासी एरोमेटिक, जो क्वासी एरोमेटिसिटी शो करेगा। लेकिन ये एरोमेटिक है, बट इसको हम लोग क्वासी एरोमेटिक नहीं बोल सकते क्योंकि यहां पे चार्ज नहीं आ रहा है और वो चार्ज कंसिडर भी नहीं हो रहा है एरोमेटिसिटी फाइंड आउट करने में। क्लियर? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट हर एक एग्जाम में आता है, चाहे वो नीट का हो या जेईई मेंस का हो या एडवांस का हो। देख पा रहे एडवांस भी क्वेश्चन आया हुआ है, हम लोग आगे देखेंगे इसको। लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि टॉपिक देखने में इजी लगता है और है भी इजी, लेकिन आपको ये कमांड करने के लिए वीडियो पूरा आराम से लास्ट तक देखना है। एंड देखने के बाद आप मास्टर हो जाएंगे, कैसा भी स्ट्रक्चर आए आप करके ही आएंगे। एडमिशन आपको मार्क्स देगा ही देगा, आई एम श्योर। आप 2017 में आया है, क्वेश्चन क्या आया था कि देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स बताने थे। इंटीजर वाले क्वेश्चन में आया था कि अभी यहाँ पे हम लोग एक एक करके अप्लाई करते हैं, तो ये हम लोग देख चुके हैं कि ये मैंने डिस्क्रिप्शन में आगे आप वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये जो दिख होता है ये साइक्लिक है, प्लेनर है, ये प्लेनर नहीं है, इट्स अ नॉन प्लेनर, क्योंकि ये टफ फॉर्म एक्वायर करता है। आप आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये टफ फॉर्म में रहता है, टफ शेप है ये, तो ये नॉन प्लेनर होगा, नॉन कॉन्जुगेटेड होगा और उसके सर बाद कोई चीज मीनिंग नहीं रखती कितने पाई एरोमेटिक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपके कितने, देखिए 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये आपका है नॉन एरोमेटिक। ये डिस्क्रिप्शन जब आप वीडियो आगे देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, प्रॉब्लम्स में ये इंक्लूड है। इसको देखिए यहां पर साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड भी है, आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड भी, सिंगल बॉन्ड सी लॉन्ग पेयर प्रैक्टिस कराया हुआ है, अंदर मिलेगा आपको। सो हाउ मेनी पाई, सर ये अंदर आएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, तो यहां पे होगा कॉन्जुगेटेड। एंड हाउ मेनी पाई, तो आंसर है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। इसको देखिए साइक्लिक है, हाँ है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, एंड हाउ मेनी पाई, तो आंसर है सर देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्ट्रक्चर आपका होगा एरोमेटिक। अब इसकी बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर दो कार्बन जो है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन sp3 है, स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर हो जाएगा, नॉन कॉन्जुगेटेड हो जाएगा, उसके बाद कोई चीज मीनिंग नहीं रखती है, दैट्स व्हाई दिस विल बी एंड नॉन एरोमेटिक। ये भी नॉन एरोमेटिक होगा। आगे बात करते हैं तो सर देखिए साइक्लिक है, ये भी डिस्क्रिप्शन आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर इंक्लूड किया हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, एंड हाउ मेनी पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दिस विल बी एरोमेटिक इन नेचर। तो ये एरोमेटिक है। इसकी बात कर लेते हैं तो सर देखिए यहाँ पर ये साइक्लिक है, ये पूरा स्ट्रक्चर साइक्लिक है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, उसके बाद देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, तो ये पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है और ये फिनेन्थ्रीन है सर, तो ये एरोमेटिक होता है, दिस इज एरोमेटिक इन नेचर। आप देख सकते हैं ईच एंड एवरी रिंग है 6 पाई ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर आते हैं, इधर से शुरू करते हैं, ये देखिए इसी को ले लेते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन वो था जिसने बहुत परेशान किया था स्टूडेंट्स को, सब लोग करके आए थे अच्छे से, लेकिन ये समझ में नहीं आया था हाउ टू हैंडल। तो आओ बात करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं, तो इस पार्ट को लीजिए, तो ये आप देख पा रहे हैं साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है और एरोमेटिक है। इसकी बात करते हैं तो यहां पर sp3 आ गया, ये sp3 है, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका नॉन एरोमेटिक, ठीक है, ये क्या हो गया आपका एरोमेटिक। अब आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक इज इक्वल टू होता है एरोमेटिक। तो ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक था जो बच्चों को कंफ्यूज किया था, डिसाइड नहीं कर पाए थे, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगी, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, छोड़ना नहीं है। यहां पे देखिए फिर से बात करते हैं, ये एरोमेटिक है बट दिस इज नॉन एरोमेटिक, और जब किसी स्ट्रक्चर में एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक दोनों पार्ट एक साथ होते हैं देन इट इज कंसिडर्ड एज एरोमेटिक, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी बात करते हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, आप देख सकते हैं आगे मिलेगा एग्जांपल इंक्लूड किया हुआ है, और हाउ मेनी पाई, तो आप देख पा रहे हैं देयर आर 6 पाई ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आपका एरोमेटिक है। लेकिन ये आप देख रहे हैं
साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड एंड हाउ मेनी पाई, तो सर इसमें है कुल आपके चार पाई, तो ये क्या हो गया, दिस इज नॉन एरोमेटिक। तो आप ही बताइए, आप देख पा रहे हैं कहां का एरोमेटिक है, तो आंसर ये था, आंसर ये होगा, आंसर ये होगा, ये होगा और ये होगा। ध्यान रखिएगा, वीडियो पॉज कीजिए और लास्ट तक देखिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इंक्लूड किया हुआ है, आप जरूर देखिएगा ध्यान से। 2017 में आया है, क्वेश्चन क्या आया था कि देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स बताने थे, इंटीजर वाले क्वेश्चन में आया था। कि अभी यहाँ पे हम लोग एक एक करके अप्लाई करते हैं, तो ये हम लोग देख चुके हैं कि ये मैंने डिस्क्रिप्शन में आगे आप वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये जो होता है ये साइक्लिक है, प्लेनर है, ये प्लेनर नहीं है, इट्स अ नॉन प्लेनर, क्योंकि ये टफ फॉर्म एक्वायर करता है। आप आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ये टफ फॉर्म में रहता है, टफ शेप है ये, तो ये नॉन प्लेनर होगा, नॉन कॉन्जुगेटेड होगा, और उसके सर बाद कोई चीज मीनिंग नहीं रखती कितने पाई एरोमेटिक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपके कितने, देखिए 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये आपका है नॉन एरोमेटिक। ये डिस्क्रिप्शन जब आप वीडियो आगे देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, प्रॉब्लम्स में ये इंक्लूड है। इसको देखिए, यहां पर साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड भी है, आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड भी, सिंगल बॉन्ड सी लॉन्ग पे प्रैक्टिस कराया हुआ है, अंदर मिलेगा आपको। सो हाउ मेनी पाई, सर ये अंदर आएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पे होगा कॉन्जुगेटेड, एंड हाउ मेनी पाई, तो आंसर है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। इसको देखिए, साइक्लिक है, हाँ है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, एंड हाउ मेनी पाई, तो आंसर है सर देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये स्ट्रक्चर आपका होगा एरोमेटिक। अब इसकी बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो कार्बन जो है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन sp3 है, स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर हो जाएगा, नॉन कॉन्जुगेटेड हो जाएगा, उसके बाद कोई चीज मीनिंग नहीं रखती है, दैट्स व्हाई दिस विल बी एंड नॉन एरोमेटिक, ये भी नॉन एरोमेटिक होगा। आगे बात करते हैं, तो सर देखिए साइक्लिक है, ये भी डिस्क्रिप्शन आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर इंक्लूड किया हुआ है, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, एंड हाउ मेनी पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दिस विल बी एरोमेटिक इन नेचर, तो ये एरोमेटिक है। इसकी बात कर लेते हैं, तो सर देखिए यहाँ पर ये साइक्लिक है, ये पूरा स्ट्रक्चर साइक्लिक है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, उसके बाद देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, तो ये पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, और ये फिनेन्थ्रीन है सर, तो ये एरोमेटिक होता है, दिस इज एरोमेटिक इन नेचर। आप देख सकते हैं ईच एंड एवरी रिंग है 6 पाई ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर आते हैं, इधर से शुरू करते हैं, ये देखिए इसी को ले लेते हैं पहले, तो ये क्वेश्चन वो था जिसने बहुत परेशान किया था स्टूडेंट्स को, सब लोग करके आए थे अच्छे से, लेकिन ये समझ में नहीं आया था हाउ टू हैंडल। तो आओ बात करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं, तो इस पार्ट को लीजिए, तो ये आप देख पा रहे हैं साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है और एरोमेटिक है। इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे sp3 आ गया, ये sp3 है, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका नॉन एरोमेटिक, ठीक है, ये क्या हो गया आपका एरोमेटिक। अब आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक इज इक्वल टू होता है एरोमेटिक, तो ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक था जो बच्चों को कंफ्यूज किया था, डिसाइड नहीं कर पाए थे, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगी, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, छोड़ना नहीं है। यहाँ पे देखिए फिर से बात करते हैं, ये एरोमेटिक है बट दिस इज नॉन एरोमेटिक, और जब किसी स्ट्रक्चर में एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक दोनों पार्ट एक साथ होते हैं देन इट इज कंसिडर्ड एज एरोमेटिक, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी बात करते हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, आप देख सकते हैं आगे मिलेगा एग्जांपल इंक्लूड किया हुआ है, और हाउ मेनी पाई, तो आप देख पा रहे हैं देयर आर 6 पाई ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आपका एरोमेटिक है, लेकिन ये आप देख रहे हैं साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड एंड हाउ मेनी पाई, तो सर इसमें है कुल आपके 4 पाई, तो ये क्या हो गया, दिस इज नॉन एरोमेटिक। तो आप ही बताइए, आप देख पा रहे हैं कहां का एरोमेटिक है, तो आंसर ये था, आंसर ये होगा, आंसर ये होगा, ये होगा और ये होगा। ध्यान रखिएगा, वीडियो पॉज कीजिए और लास्ट तक देखिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इंक्लूड किया हुआ है, आप जरूर देखिएगा ध्यान से।
ये कंपाउंड स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, ये देखिए CH2। अब जब ऐसा केस मिल जाए तो आपको बताया था वहां पर ये बॉन्ड आपको यहां से मूव कराना पड़ेगा। जब ये मूव करेगा तो अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये देखिएगा यहां पर CH2-, यहां पर पाएंगे आप प्लस चार्ज और यहां पर डबल बॉन्ड। अब देखिए आप कंक्लूड कीजिए इस स्ट्रक्चर के लिए, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड एंड हाउ मेनी पाई, 2π इलेक्ट्रॉन। और सर ये कंडीशन क्लियर कर रही है दैट दिस विल बी एरोमेटिक इन नेचर, तो ये एरोमेटिक है, चारों कंडीशन क्लियर करती है। अब थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए, यहां पर सर ये आप देख पा रहे हैं साइक्लिक है पूरा स्ट्रक्चर, तो हाँ ये साइक्लिक है, प्लेनर है, तो मेरा आंसर होगा हाँ ये प्लेनर है। आपने पूछा कॉन्जुगेटेड है तो मैं बोलूंगा कॉन्जुगेटेड है। उसके बाद हाउ मेनी पाई, तो सर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें। अब इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे नहीं कर सकते, इसको करने का तरीका है कि आप यहाँ पे पार्ट वाइज जाएंगे, रिंग वाइज जाएंगे। तो ये रिंग देखिए, इस रिंग को देखें तो ये रिंग है आपकी एरोमेटिक, इसको देखिए ये रिंग भी कैसे दिखाई होगी इतनी पढ़ रही है आपको, दिस विल बी एरोमेटिक इन नेचर, या वो क्लियर है। बट इस बात करते हैं बीच वाला जो रिंग देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए ये देखिए डबल सिंगल डबल, तो इस रिंग में ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कितने होंगे 4π इलेक्ट्रॉन, तो ये है एंटी एरोमेटिक। और ध्यान रखिएगा अगर किसी कंपाउंड में एरोमेटिक है प्लस एंटी एरोमेटिक भी आ रहा है तो डोमिनेट करेगा एंटी एरोमेटिक, तो दिस स्ट्रक्चर और कंपाउंड विल बी एंटी एरोमेटिक इन नेचर। ध्यान रखिएगा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है, तो एंटी एरोमेटिक होगा ये कंपाउंड हमारा, एंटी एरोमेटिक है। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन को भी थोड़ा हैंडल प्रॉपरली करना है, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं, वो इसको एज अ होल कंसिडर करते हैं, नहीं एज अ होल कंसिडर नहीं होगा। इसमें आप रिंग वाइज जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस रिंग के अंदर ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, 6π इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 6π है, तो ये भी कैसा होगा, तो आप कह सकते हैं कि सर ये भी एरोमेटिक होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आप इंडिविजुअली जाएंगे, ये एरोमेटिक होगा, ये भी एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक इज इक्वल टू एरोमेटिक। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर आइए तो ये देखिए ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड द ऑक्सीजन, तो आपको जो अगला स्ट्रक्चर मिलेगा वो ऐसा होगा, ओ विल एक्वायर माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी प्लस चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी प्लस चार्ज, दोनों साइड से प्लस चार्ज कंजुगेशन में आ रहा है, साइक्लिक है तो हाँ ये साइक्लिक है, प्लेनर हाँ प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड हाँ ये कॉन्जुगेटेड है। तो हम लोग मेंशन करते हैं साइक्लिक प्लेनर, हमने चेक किया हाँ ये प्लेनर है, फिर बात करते हैं कॉन्जुगेटेड, तो हाँ ये कॉन्जुगेटेड है, और हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, तो आप देख पा रहे हैं 2π इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो 2π इलेक्ट्रॉन है, चारों कंडीशन पूरी कर रही है जो इंडिकेट करती है कि ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक होगा। इसकी बात करते हैं, इसको हैंडल करने का तरीका है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देख रहे हैं, तो ये डबल बॉन्ड आपको मूव कराना पड़ेगा, दोनों आइडेंटिकल पार्ट है, किधर भी मूव कराएं सर, जहां आपका मन करे उधर करा सकते हैं, नाउ यू आर फ्री टू शिफ्ट, ये इधर चला गया। जब ये यहां पर चला जाएगा तो अगला स्ट्रक्चर कैसा होगा, थोड़ा सा एज्यूम करिए, यहाँ पे बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, ये आपका डबल, यहां पर भी डबल, यहां पर चार्ज आएगा प्लस, यहां पर आएगा माइनस ऑन दिस कार्बन, ऑन दिस कार्बन प्लस चार्ज इज देयर। अब देखिए फ्रेगमेंट वाइज आपको ये वाला फ्रेगमेंट लेना है, ये वाला फ्रेगमेंट लेना है, ये वाला पार्ट लेना है, तो ये पार्ट में देखिए साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, हाउ मेनी पाई, 2π इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, यहां पे सर ये पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होगा लोन पेयर, तो यहां पे 4π इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर 2π होंगे। अब बात करते हैं कि सर ये तो हो गया एरोमेटिक और ये हो गया एंटी एरोमेटिक, अब देखिए एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, तो बताइए ओवरऑल क्या होगा सर, ओवरऑल होगा, थोड़ा सा व्हाइट से कर देते हैं बच्चों, ये हो गया हमारा एरोमेटिक पार्ट,
ये हो गया एंटी एरोमेटिक पार्ट, ये 4π इलेक्ट्रॉन है, और ओवरऑल ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आंसर होगा एंटी एरोमेटिक। ध्यान रखिएगा, बताए थे एरोमेटिक प्लस एंटी एरोमेटिक इक्वल टू एंटी एरोमेटिक। इसकी बात करते हैं, यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, यहां पर शिफ्ट करेगा तो यहां पे क्या होगा सर, यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो देखिए अगला स्ट्रक्चर यहां पे देखते हैं, तो अगला स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये देखिए यहां पर आएगा CH2 पर माइनस चार्ज, यहाँ CH2 था ना बच्चों, ये CH2 था, और यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, रिंग वाले कार्बन पे प्लस आएगा, तो आप देख सकते हैं साइक्लिक है, हाँ ये साइक्लिक है, प्लेनर है तो हाँ ये प्लेनर है, क्या ये कॉन्जुगेटेड है, तो यहाँ ये कॉन्जुगेटेड है। उसके बाद बात करते हैं हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4π इलेक्ट्रॉन आर देयर सर, और 4π इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो आप बोल सकते हैं दिस स्ट्रक्चर विल बी एंटी एरोमेटिक है सर ये आपका। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, ये डबल बॉन्ड देखिए ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, दोनों साइड से ये प्लस चार्ज कॉन्जुगेशन के अंदर आ रहा है, तो ओवरऑल बात करें कितने पाई होंगे सर, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन होंगे 6π इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक हाँ ये साइक्लिक है, प्लेनर तो हाँ ये प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड हाँ ये कॉन्जुगेटेड भी है, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन सर 6π इलेक्ट्रॉन आर देयर एंड दिस विल बी एरोमेटिक इन नेचर। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये फिर से वही हुआ है जो ऊपर आप करके आए, ये देखिए तो यहाँ पे ये शिफ्ट कराया तो ये इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो उसका अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखिए रिजल्टिंग स्ट्रक्चर से कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड सिंगल रह जाएगा, ये देखिएगा ये बॉन्ड डबल एस सच रहेंगे, यहाँ पर चार्ज आएगा माइनस क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस कार्बन पे आए हैं, दिस विल एक्वायर माइनस चार्ज, दिस विल एक्वायर प्लस चार्ज। अब देखिए दो पार्ट आपके पास आ गए हैं इस रिंग को देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे 4π इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 4π इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हुए, यहाँ पर कितना होगा सर, ये देखिए 2π 4π और ये 6π यहाँ पे होंगे, तो ये वाला पार्ट हो गया आपका एंटी एरोमेटिक और ये पार्ट हो गया आपका एरोमेटिक। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर दो पार्ट हैं, दो फ्रेगमेंट दिखाई दे रहे हैं, एक एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक, तो ओवरऑल आप जानते हैं दिस विल बी एंटी एरोमेटिक इन नेचर। इसकी बात करते हैं थोड़ा सा स्पेशल टाइप का, परेशान मत होइए, ये कहलाता है बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है ये, और यहाँ पर बाईसाइक्लिक कंपाउंड में ये कार्बन जो है ये जो आप देख रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइज प्लेन से बाहर चला गया है, तो ये आपको रिंग कंसिडर ये करना है, तो अगर आप यहाँ पे क्लासीफाई करें तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, एंड हाउ मेनी पाई 10π इलेक्ट्रॉन, तो चारों कंडीशन पूरी कर रहा है, तो ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड जो होगा दिस विल बी एरोमेटिक इन नेचर। सर यहाँ पर क्या करें भाई, यहाँ पर भी देखिए ब्रिज हेड कार्बन है, ये देखिए बाहर की तरफ जा रहा है ये, तो बाहर की तरफ होगा तो ये रिंग में काउंट नहीं होगा, फिर से यही कंडीशन बनेगी, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, हाउ मेनी पाई 10π इलेक्ट्रॉन, सो दिस विल ऑल्सो बी एरोमेटिक इन नेचर। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत किसी भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बोलता है विच हैज मोर एरोमेटिक कैरेक्टर, तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर होगा या इसका ऑर्डर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये सर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये तीनों एरोमेटिक है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है, यहाँ पे देखिए लॉन पेयर जो है ये वाला लॉन पेयर, ये लॉन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट है और रिंग के अंदर जाएगा, जब ये रिंग के अंदर जाता है तो ये काउंट होगा एज ए पाई इलेक्ट्रॉन, तो हर एक के अंदर आप देखें तो ऑल थ्री है और 6π इलेक्ट्रॉन साइक्लिक हैं, प्लेनर हैं, ऑल थ्री है, तो मैं बोलता हूं ऑल आर साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड एंड हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन 6π इलेक्ट्रॉन, तो सर ऑल दीज थ्री आर एरोमेटिक इन नेचर, पहले आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं तो सर ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो एरोमेटिक नेचर है वो डिपेंड करता है कि ये लॉन पेयर जो हेट्रो एटम का है सल्फर का ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का वो कितना इजीली अंदर उतर पाता है, कितना इजीली बाहर अंदर आता है कॉन्जुगेशन में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट जो होगा प्लस एम इफेक्ट उसका जो ऑर्डर होता है वो कुछ ऐसा होता है सल्फर के बाद नाइट्रोजन और फिर आता है ऑक्सीजन, तो ये ऑर्डर आपने याद रखना है। तो सल्फर अपना लोन पेयर इजीली देगा, उसके बाद नाइट्रोजन देगा और पुअरली देगा ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव।
तो यहां पे जो मोस्ट एसिडिक होगा वो होगा फर्स्ट, उसके बाद कौन आएगा, थर्ड आएगा। तो ये वाला ऑर्डर होगा यहां पर बच्चों एसिडिटी, सॉरी ये ऑर्डर होगा यहां पर एरोमेटिक कैरेक्टर का। फर्स्ट विल बी मोर एरोमेटिक, देन आपका थर्ड होगा और सबसे वीक होगा आपका सेकंड वाला। इसकी बात करते हैं, विच रिएक्शन विल कॉज वाइट प्रॉपर्टी ऑफ AgCl। तो आपको बताना है किसके अंदर ये पॉसिबल होगा, किसके अंदर पॉसिबल नहीं है, कौन फिजिबल है कौन फिजिबल नहीं है। सर एक बात बताइए, AgCl यहाँ पे देखिए Ag प्लस है, NO3 माइनस है, तो AgCl बनाने के लिए Ag आयन को Cl माइनस चाहिए। तो आप हर एक केस में Cl माइनस को बाहर निकाल दीजिए। ये देखिए ये रिएक्शन आपको यहाँ पे करानी है। सर जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से बनने वाला इंटरमीडिएट कैसा होगा, यहाँ पे चार्ज प्लस, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे चार्ज भी प्लस आएगा, ये देखिए प्लस आ गया है चार्ज आपका, और यहाँ पे ये आपका। तो दीज आर द पॉसिबल इंटरमीडिएट्स फॉर्मिंग इंटरमीडिएट्स। तो ये आपके कुछ कार्बोडाइन बनेंगे, इनको आपको पता है इंटरमीडिएट्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं। ये देखिए दीज आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं। अब आप चूंकि पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आप खुद ही बताइए साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन सब आपको चेक करना है। तो ये होगा आपका एरोमेटिक, ये आपका ऑल्सो एरोमेटिक, बट दिस विल बी एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होता है, उसके बाद होता है आपका नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, लीस्ट स्टेबल और अनस्टेबल। तो देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन में बनने वाला इंटरमीडिएट ये कार्बोकैटायन होगा जो कि अनस्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है, ये रिएक्शन नहीं जाएगा। इन दोनों रिएक्शन में बनने वाला कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबल है, वो एरोमेटिक इन नेचर है, तो स्टेबल होगा और ये रिएक्शन इजिली जाएगा। तो आंसर होगा इन दोनों रिएक्शन में पीपीटी बनेगा, लेकिन इसमें पीपीटी नहीं बनेगा। क्लियर, कुछ और देखते हैं। यहाँ पर चार स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बोलता है विच इज एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक सर यहाँ पे आपको देखना है कि जो कंपाउंड H प्लस देगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। तो आप देखिए कहाँ पर H प्लस निकल पाएगा, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से इस हर एक कंपाउंड से हम लोग H प्लस निकाल देते हैं। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ H प्लस, H प्लस ऐसे निकलेगा, आप जानते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा और ये H प्लस रिलीज हो गया है बाहर। लेकिन H प्लस रिलीज होने के बाद जो बचा है, जो बनेगा इंटरमीडिएट, उसको देखिए यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज। यहाँ पे बात करते हैं सर बेंजीन से अगर आप H प्लस निकालते हैं, पॉसिबल नहीं है पर निकाल के देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ से H प्लस बाहर आया, तो बाकी क्या बचेगा, ये देखिए यहाँ पर बेंजीन पर आ जाएगा इस वाले कार्बन पे माइनस चार्ज। ये देखिए यहाँ पर भी आप माइनस चार्ज और लॉन पेयर दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिएगा यहाँ पर। अब इसकी बात करते हैं यहाँ से निकालिए, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप H है, तो मैं यहाँ से इसको ऐसे निकालता हूँ बच्चों। और जब ये ऐसे निकलेगा तो अगला स्ट्रक्चर रिजल्टिंग आयन कैसा होगा, तो सर देखिए यहाँ पर भी कार्बन आयन बनेगा, ये माइनस चार्ज ले रहा है। और यहाँ से सर निकालते हैं तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, देखिए दोनों साइड से, यहाँ से यहाँ से निकाला माइनस एच, तो एच प्लस दे रहे हैं। तो ये आपको करके दिखना पड़ेगा हर एक स्ट्रक्चर से, जब भी क्वेश्चन आता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जेई नीट में हो या जेई में हो या किसी भी एंट्रेंस में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ से H प्लस का लॉस होगा तो यहाँ पर आएगा आपका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर ये तो आप, ये आपके कुछ आयन बने हैं, इनको डिस्कस करना है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा आयन स्टेबल होगा, कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। स्टेबल होने के लिए आपके पास एक ही क्राइटेरिया है और वो है टू बी एरोमेटिक, इनको एरोमेटिक होना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, आप चेक कीजिएगा, मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। इनमें से सिर्फ डिस्कस करूंगा ये वाला, क्योंकि ये एरोमेटिक है, आप देखिए साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिएगा कॉन्जुगेशन की वजह से लॉन पेयर अंदर आ जाएगा और पाई में काउंट होगा, तो दिस विल बी एरोमेटिक इन नेचर।
ये एरोमेटिक है, यानी कि H+ को इजीली लूज कर पाएगा, क्योंकि लॉस H+ का लॉस होने के बाद भी H+ देने के बाद भी ये स्टेबल है, एरोमेटिक इन नेचर है। तो यहां पर अगर बात करें तो यही स्ट्रक्चर एक ऐसा है जो H+ दे पाएगा, क्योंकि H+ देने के बाद भी ये स्टेबल है क्योंकि ये एरोमेटिक है। आई होप सो कुछ प्रॉब्लम हमने क्या डिस्कस किया है इनको डिस्कस करने के बाद, उम्मीद है आप एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में डिफरेंशिएट कर पाएंगे।